शेख, मेरा सवाल ये था शेख, एक मुस्लिम स्कॉलर है शेख, वो बोलते हैं कि मियाँ बीबी का जो रिश्ता है वो एक अग्रीमेंट है, क्या ये सही है या गलत है शेख, अगर किसी ने भाई से बोला है कि मियाँ बीवी का रिश्ता एक एग्रीमेंट है, तो जी। आप जरा सा हमें बताएं कि आप एग्रीमेंट से क्या समझ रहे हैं, नहीं उसके बाद मैं जवाब देता शेख, हूँ। वो ऐसा सवाल कर रहे थे शेख, उनको तो उनको एक सवाल की पूछे शेख, तो वो बोले कि हम जो हमारे धर्म जो है हम 7 जन्मों का मानते हैं रिश्ता मियाँ बीवी का, तो तुम ऐसा क्यों एक बीवी छोड़ तलाक देते दूसरी बीवी कर लेते, तो इसका इसका रिश्ता क्या है बोल के पूछते शेख उन्होंने। तो उन्होंने बोलते सिर्फ ये जो रिश्ता है इस दुनिया के लिए, आखिर बाद में उसके बाद लिखे तो कुछ नहीं है, बस ऐसा कुछ बोल रहे थे शेख। वो वो गैर मुस्लिम थे या मुस्लिम थे? हाँ गैर मुस्लिम था शेख, लेकिन जवाब देने मुस्लिम थे, मुस्लिम स्कॉलर। हाँ देखिए, तो क्या आप इस बात में मानते हैं कि 7 जन्म होगा इंसान का? नहीं शेख, ऐसा तो नहीं मानते शेख। मैं हाँ, इंसान का एक ही जन्म होगा इस दुनिया के अंदर, और मरने के बाद फिर उसकी बरजखी जिंदगी होगी, बरजखी जिंदगी के बाद उखरवी जिंदगी होगी, ये हमारा मानना है और ये हमें अल्लाह और उसके रसूल ने सिखलाया है। तो 7 जन्म का कांसेप्ट हमारी शरीयत में नहीं है, पहली बात ये। दूसरी बात, आपके सवाल पर आते हैं। देखिए, दुनिया के अंदर जो हमारे ताल्लुकात बनते हैं लोगों के साथ, उसमें एक होती है कराबतदारी, अरबी में कराबत बोलते हैं, और दूसरी होती है मुसाहरत, मुसाहरत का रिश्ता। तो कराबतदारी उस रिश्ते को कहते हैं जो खून का रिश्ता होता है, नसब का रिश्ता होता है, और ये जो लफ्ज़े रिश्ता हम बोलते हैं, रिश्ता अरबी जबान में बीवी का जो ताल्लुक आपसे होता है, मियाँ बीवी के दरमियान का जो ताल्लुक होता है, अरबी जबान में उसको रिश्ता नहीं कहा गया है, कराबतदारी नहीं कहा गया है। कराबतदारी का तर्जमा हम रिश्ता से करते हैं, तो मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो कराबतदारी का रिश्ता नहीं है। शरीयत की निगाह में, शरीयत की निगाह में, कुरान में और हदीस में आप जहां कहीं निकाह का या शादी का जिक्र पाएंगे, वहां पर अक्द का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। एक कलिमा है अक्द, अक्द निकाह, इसीलिए तो हम बोलते हैं अक्द निकाह। अब ये जो लफ्ज अक्द है, इसका अगर आप तर्जमा करेंगे अंग्रेजी में, तो लफ्ज अक्द का तर्जमा एग्रीमेंट होता है। दो इंसानों के दरमियान किसी बात पर कोई मुआहदा होता है तो उसको अक्द कहा जाता है अरबी जबान में। अब अगर आप उसको चाहे अक्द बोले या आप एग्रीमेंट बोले, कोई हर्ज की बात नहीं है। मसला यहां पर इस वक्त उस वक्त आता है आपके जहन में या किसी के जहन में, जो इश्कार आ रहा है वो ये है कि भाई शादी जैसा जो गहरा रिश्ता है, इसको एग्रीमेंट कैसे कहा जा रहा है? एग्रीमेंट का, जब एग्रीमेंट बोला जाता है तो आमतौर से इंसान के दिमाग में आता है कि मालो दौलत का कोई, तजारत का एग्रीमेंट या इस तरह का जो एग्रीमेंट होता है उसी को सिर्फ एग्रीमेंट कहा जाता है। हालांकि शादी भी दरअसल ये अक्द है, और अब उसको आप एग्रीमेंट बोलो या उसको आप अक्द बोलो या अपनी जबान में आप उसको रिश्ता बोलो, रिश्ता बोल देने से वो कराबतदारी नहीं हो जाएगी। कराबतदारी नहीं है, वो नसब का कोई रिश्ता नहीं है दोनों के दरमियान, वो असलन अक्द ही है। अब उसको अक्द को आप एग्रीमेंट बोलो तब भी कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन हमारी शरीयत की निगाह में इस दुनिया के अंदर जो एग्रीमेंट होते हैं, बहुत सारे तरह के एग्रीमेंट होते हैं। जैसे हमारे और आपके दरमियान खरीदने और बेचने का कोई एग्रीमेंट होता है, मुआहदा होता है, किसी और मामले पे हमारे और आपके दरमियान कोई एग्रीमेंट होता है, कोई मुआहदा होता है, इसी तरह से मियाँ बीवी के दरमियान एक एग्रीमेंट और एक मुआहदा होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सारे एग्रीमेंट एक ही दर्जे के हैं? क्या ये सारे एग्रीमेंट एक ही नौइयत के हैं? नहीं, ये सारे एग्रीमेंट अलग अलग नौइयत के हैं और अलग अलग एग्रीमेंट्स की अलग अलग अहमियत है। शादी का जो एग्रीमेंट है, हमारी शरीयत ने इसको मीसाकन गलीजा कहा है, यानी बहुत मजबूत एग्रीमेंट। तो
तो इस दुनिया में जो हम बंदों के दरमियान आपस में एग्रीमेंट होते हैं, उन एग्रीमेंट्स में सबसे मजबूत एग्रीमेंट शादी का रिश्ता है। तो किसी को इस लफ्ज से चिढ़ नहीं होनी चाहिए, उसके दिमाग में बिजनेस वाला एग्रीमेंट नहीं आना चाहिए। शादी का एग्रीमेंट एक मुबारक और मुकद्दस एग्रीमेंट है, जिसे हमारी शरीयत ने एक मजबूत एग्रीमेंट कहा है। अब जो लोग शादी को रिश्ता कहते हैं और रिश्ता से उनकी मुराद कराबतदारी का तर्जमा होता है, ये गलत है। आप बताइए कि क्या किसी रिश्ते को इंसान अपनी मर्जी से तोड़ सकता है? जैसे मान लीजिए एक बेटा और बाप का रिश्ता है, एक भाई बहन का रिश्ता है, या जो भी हमारे खूनी रिश्ते हैं, चचा भतीजे का रिश्ता है। अब कल को अगर आप बोल दें अपने वाली साहब से कि वाली साहब मैंने ये रिश्ता खत्म किया, मैं इस रिश्ते को तोड़ रहा हूं, तो बताइए क्या ये रिश्ता टूटेगा? आप लोग चाहे पूरी जिंदगी बात ना करें एक दूसरे से, लेकिन ये रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। तो जो कराबतदारी होती है या रिश्ता जिसको हकीकत में कहते हैं उर्दू में, वो कभी टूट नहीं सकता। इंसान उसको चाहकर भी नहीं तोड़ सकता। आप अपने वालिद के बेटे हैं, वो हमेशा रहेंगे, उसको आप तोड़ नहीं सकते। लेकिन जो एग्रीमेंट होता है उसको खत्म किया जा सकता है। और शादी ये एक एग्रीमेंट है, इसकी दलील ये है कि शादी को खत्म किया जाता है। भाई अगर वो एग्रीमेंट नहीं होता तो तलाक के जरिए से मियां बीवी अलग कैसे हो जाते हैं? कई मियां बीवी ऐसे हैं जिनके दरमियान तलाक होता है तो जिंदगी भर एक दूसरे से कभी वो ना मिलते हैं ना तो कोई ताल्लुक रहता है। अगर ये रिश्ता था तो खत्म कैसे हो गया, आप बताइए? तो ये कराबतदारी का जो तर्जमा रिश्ता करते हैं, उस माना में ये रिश्ता नहीं है। आप उसको रिश्ता कह के अगर एग्रीमेंट मुराद ले रहे हैं तब तो सही है। तो हकीकत बात ये है कि हमारी शरीयत ने भी शादी को और निकाह को अक्द से ही ताबीर किया है, और अक्द का माना एग्रीमेंट ही होता है। और ये सच्चाई है, इसमें जज्बात की जरूरत नहीं है। आप अपने बारे में खुद सोचिए कि आप अपनी बीवी को अगर कल को तलाक दे दें तो खत्म हो गया कि नहीं ये रिश्ता? जबकि अगर ये कराबतदारी होती या शरीयत की निगाह में जिसको रिश्ता कहा जाता है तो ये कभी खत्म नहीं होता। तो हमारी शरीयत में शादी को जरूरत के वक्त तलाक के जरिए से खत्म किया जा सकता है, और यही इस बात की दलील है कि ये एग्रीमेंट है। जी माया शेख, तो मैं सवाल इसलिए नेक बीवी जन्नत में साथ में रहते, ऐसा सुना था शेख में। हाँ, नेक बीवी जन्नत में साथ रहेगी, लेकिन आप ये फर्ज कीजिए कि मान लीजिए वो जो आपकी नेक बीवी है जी, आपकी शादी हुई, आपने एक साल बाद अल्लाह ना करे उसको तलाक दे दिया, उसने जाकर के किसी और शौहर से शादी किया, किसी और मर्द से शादी किया, तो आप बताइए किसके साथ रहेगी, आपके साथ या वो दूसरे वाले के साथ? दूसरे वाले के साथ शेख। तो रिश्ता तो आपके साथ भी बना था उसका, तो कहां पे फिर वो आपके हमेशा आपके साथ रहने वाली है? जी शेख, ठीक है, वाजे हुआ, जजाकल्लाह खैर।